हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रियांश व्लॉग। प्रियांश व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है डे 3 और 4, दोनों का वीडियो मैं डाल रही हूँ, यानी कि संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ्य का। तो चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसा देख रहे होंगे कि मैं आज मिट्टी के चूल्हे को पूज रही हूँ। उसमें 5 जो है सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि अब बनने वाला है ठेकुआ यानी कि पकवान और लड़ुआ। तो कैसे बनाऊंगी मैं, वो आपको आगे की वीडियोस में पता चलेगा। मैं नहा धो करके यहाँ पे देख सकते हैं साड़ी पहन ली थी, और मेरा सर में बहुत ज़्यादा कल दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इतना मतलब कठिन ये फास्टिंग होता है ना, कि आप इसमें तेल वगैरह भी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बाल बांध दिया था, क्योंकि बाल गिरने विरने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे चूल्हा को अच्छे से पूज रही हूँ। पहले मैंने टीका किया, फिर मैंने जल डाला, और अब मैं यहाँ पे अगरबत्ती जलाऊंगी, और उसके बाद मैं जो है इस पर कुछ भी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मम्मी ने सब कुछ बताया है, मम्मी भी ऊपर आई हुई हैं। तो मम्मी दूसरी तरफ खाना बना रही थी, और यहाँ पे मैं जो है चूल्हा पूजा कर रही थी, और फिर उसके बाद मैं इस पर पकवान बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये है गेहूँ का आटा जो मिल में पिसा के आया है, और यहाँ मेरा हेल्प कर रहा है रोहित और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ सब कोई मेरा हेल्प कर रहे थे, क्योंकि अकेले बनने का नहीं है पकवान। और जो भी यहाँ पे आप सबको देख रहे हैं, सब कोई फास्टिंग में है, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं खाया है। मैंने तो खाया ही नहीं, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी फास्टिंग था, बट मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाया है, और ना यहाँ रोहित ने खाया। और ये लोग मैच भी देख रहे थे, क्योंकि मैच जो है वो आज फाइनल था वर्ल्ड कप का। इंडिया तो वैसे हार गया है, बट उस टाइम मैच था, तो ये लोग मैच भी देख रहे थे। और यहाँ देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो है नारियल वगैरह जो है काट रहे हैं, मैं भी अच्छे से सब कुछ काट रही हूँ। और इधर रोहित जो है वो गुड़ को पिघला रहा है पानी में, ताकि हम लोग अच्छे से पिघल जाएगा ना, तो इसमें हम आटे में डालेंगे, क्योंकि हमारे साइड चीनी का ठेकुआ नहीं बनता है, वो आप बाद में बना सकते हैं पारण के बाद, लेकिन हमारे यहाँ गुड़ का ही बनता है। तो वही जो है गुड़ का पकवान हम लोग यहाँ बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। थोड़े घबराए भी थे, क्योंकि कभी बनाए नहीं थे, तो बस मम्मी से पूछा था, इसे मैंने डाला है सोफ। तो सब कुछ जो है ना, सब कुछ फ्रेश आया है, कुछ भी मिलावा नहीं। देख सकते हैं चौकी पे सारा सामान रख दी थी मम्मी। उसके बाद मम्मी आकर थोड़ा मुझे डांटी भी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बाल जो है खुले रखना पड़ता है, बांधा नहीं जाता है। मैंने तो सोचा कि सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैंने बाल धो लिया था। फिर मम्मी ने डांटा, तो मैं बाल खोल ली यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मेरे हस्बैंड जो है पकवान बना रहे हैं, इतना सारा पकवान जो है बन के तैयार है, और ये सारा पकवान जो है घी में बना है, और इतना टेस्टी पकवान बना था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इसमें सिर्फ मेरे को क्रेडिट नहीं जाता है, इन लोगों को भी जाता है, क्योंकि इन लोगों ने भी बहुत हेल्प किया। और यहाँ पे मतलब इस तरीके से बनाना पॉसिबल, मतलब इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था, पूछिए मत। मतलब अकेले का बस का बात नहीं है, छठ अगर आप करते हैं तो 2-3 लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं पकवान जो है जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि फिर दौरा वगैरह भी रेडी करना था, सब कुछ करना था, तो सारा कुछ मेरे को ही करना था। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं पकवान जो है बन करके रेडी था, अब कुछ ही बचा हुआ था। और जो उधर रोहित बना रहा है, वो आसमाई को चढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ हम लोग रेडी कर रहे थे, ताकि कुछ भी छूट ना जाए। और मेरे हस्बैंड बस जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को फल भी लाने के लिए जाना था शाम में। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ बन गया है, बस आसमाई को जो चढ़ाते हैं सुबह वाला, वो बन रहा है। तो वो इस तरीके का कुछ बनता है, लंबा लंबा, गोल गोल, छोटा छोटा, तो वो लास्ट में बनता है। तो वही रोहित बना रहा था, और इधर मैं बाकी का पकवान जो है अच्छे से छान ले रही थी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिट्टू बाबू ने ना छत को अच्छे से डेकोरेट कर दिया था, और सारा छत धुल गया था। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ रंगोली भी बनाया उसने, बहुत ही प्यारा बनाया है। और चलिए आपको दिखाते हैं आगे का। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बैलून से डेकोरेशन किया गया था, बहुत सुंदर डेकोरेशन था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और पानी भी पूरा फुल कर दिया था। तो बस इस तरीके से सारा प्रिपरेशन चल रहा था छठ का, शाम का अर्घ का और सुबह का अर्घ का, दोनों का ही चल रहा था। तो बस इस तरीके से सब कुछ रेडी हो जाने के बाद मैं दूसरी तरफ आ गई दौरा लगाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी जो है दो सूप चढ़ाती है, बड़ा वाला, दो छोटा सूप चढ़ाती है, एक पीतल का सूप चढ़ाती है, दो डलिया चढ़ाती है। तो इस तरीके से मम्मी सब कुछ मेरे को बताई थी, तो मैंने सब कुछ जो है अच्छे से कर लिया था, क्योंकि मैं हमें
हमेशा मम्मी के साथ रही हूँ तो मम्मी कैसे क्या करती है सब कुछ मुझे पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लोग जो है गेंदा का फूल वगैरह डाल रहे हैं पानी में। तो बस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, साड़ी वगैरह पहन के सब लोग नहा वहा के आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं बिट्टू के पास गुलाब का फूल था, वो भी वो डालेगी। तो बस यहाँ मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और दीदी भी रेडी हो चुकी है, दोनों जो है रेडी हो चुके हैं। और अब धीरे धीरे जो है शाम का अर्घ का प्रिपरेशन हो रहा है, जितना भी सूप वगैरह है सब कुछ को मतलब आगे रख दिया जाएगा ताकि इसमें मैं अच्छे से पूजा वगैरह सब कुछ कर दूँ, दिया वगैरह दिखा दूँ। सूप पे यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी ने गंजी जो होता है जेंट्स का वो चढ़ाया था क्रियाज के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, जितने भी लोग थे सबके लिए, और गमछा वगैरह भी चढ़ाया था। तो बस इस तरीके से जो है प्रिपरेशन चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया, मेरा रोहित ने भी बहुत हेल्प किया, सब ने बहुत अपना हेल्प किया, बिट्टू बाबू ने भी बहुत हेल्प किया। तो बस इस तरीके से जो है सारा जो भी सूप वगैरह है वो अच्छे से रख दिया जा रहा है ताकि हम लोग को इजीली मतलब ये दे सकें। तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि कैसे हम लोग अर्घ देते हैं। तो ब्लॉग से बने रहे, और ब्लॉग को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रियांश ब्लॉग, प्रियांश ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं रोहित पूरा फुल मूड में आ गया है छठ का। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दीदी जो है कष्टी देती है, तो वो बिल्कुल नीचे से आई थी और इस तरीके से कष्ट दे रही थी भगवान से जैसे दिया जाता है। तो ये बहुत इमोशनल पल भी था देख करके, थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन दीदी कष्टी देती है और मैं तो मम्मी का ही सर उठाई हुई हूँ। तो बस यहाँ देख सकते हैं आप लोग दीदी कष्टी दे रही थी और बाकी सब लोग दीदी का पैर वगैरह छू रहे थे। तो बस इसी तरीके से जो है छठ हमारा अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गया। तो चलिए आप लोग वीडियो को इंजॉय कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। दीदी जो है पानी में चली गई थी और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जब मैं भी जा रही थी और इस तरीके से प्रणाम करके जा रही थी, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था ऊपर से, मतलब इतना ज़्यादा टफ रहता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन चलिए सब कुछ जो है वो अच्छे से हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ मैं पानी में चली गई और पानी में खड़े होकर के हम लोग अर्घ देते हैं। तो दीदी जो है सूप वगैरह नहीं चढ़ाएगी, मैं सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ठंडा इतना ज़्यादा पानी था, आप लोग मेरा फेस के एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा ठंड लग रहा था। और बस अब मुझे 5 डुबकी भी मारना था, तो बस मैं अच्छे से देख रही थी कि पानी कितना ठंडा है। तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं डुबकी पर डुबकी मार रही हूँ।
Thank you.
तरीके से मेरा सुबह का जो अर्घ है वो कंप्लीट हो गया और अच्छे से मेरा सब कुछ शर्ट जो है वो संपन्न हो गया। तो ये जो मम्मी लेकर के आ रही है वो आसमाई को चढ़ाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सूर्य भगवान कितने प्यारे लग रहे, इतने सुंदर लग रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये कुछ वीडियोस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, कुछ फोटोज़ था। ये देख सकते हैं मम्मी के साथ कुछ फोटोज़ वगैरह हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा हो, तो खूब सारा प्यार दीजिए। तो चलिए, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।